हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की वर्कशीट में भी हम लेसन जो आपका है सुनामी पार्ट 1 उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा कि किस तरह सुनामी जो है उसने लोगों को इफ़ेक्ट किया और कैसे जो है लोग वो पानी में बह गए और कुछ लोगों ने कैसे सर्वाइव किया। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और समय से आप अपना काम जो है कंप्लीट कर सको। सो स्टार्ट करते हैं। ए टास्क जो इसमें दिया गया है आपको, वो दिया गया है डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस, राइट यस और नो फॉर ईच पार्ट। आपको बताना है कि जो ये प्लेसेस दिए गए हैं यहाँ पर क्या सुनामी जो है वो स्ट्राइक कर सकती है या नहीं। तो हमने पढ़ा था कि सुनामी क्या है, हाई वेव्स होती हैं जो सी के अंदर अर्थक्वेक जब आता है तो उसके वजह से सुनामी वो क्रिएट होती है। और जो वेव्स हैं पानी बहुत ज़्यादा जो है वो पानी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सुनामी कहते हैं। सो हम देखेंगे हिली एरियाज सच अस शिमला, तो शिमला में जो हिली एरियाज है क्या वहाँ पर सुनामी स्ट्राइक कर सकती है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, नो कर देंगे, सुनामी वहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर सकती। सेकंड देखिए प्लेन एरिया सच एस दिल्ली, तो दिल्ली भी बेटा सी कोस्ट नहीं है, सी यानी समुद्र के नज़दीक नहीं है, तो वहाँ पर भी सुनामी स्ट्राइक नहीं करेगी, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नो कर देंगे। सी देखिए सी कोस्ट सच एज मुंबई, सो मुंबई जो है वहाँ पर सी है, ठीक है, सो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सुनामी स्ट्राइक कर सकती है, तो उसमें हम यस कर देंगे। नेक्स्ट देखिए डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर, तो वहाँ पर सुनामी स्ट्राइक नहीं कर सकती, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, नो जो है वो हम कर देंगे, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। बी टास्क दिया गया है लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हु सर्वाइव द डिज़ास्टर। अब हम पढ़ेंगे यंग गर्ल के बारे में, ठीक है, फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से जिसने डिजास्टर जो है उसमें सर्वाइव किया। तो पेज नंबर 26 और 27 है आपकी हनी ड्यू बुक का। सो सबसे बेस्ट क्या है कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए और साथ साथ जो है जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं आप साथ साथ रीड कीजिए, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिए, उनके वर्ड मीनिंग लिखिए और फिर उनको याद कीजिए। इससे जो आपकी वोकेबलरी है, ठीक है, वो भी आपकी रिच होगी और आपकी इंग्लिश भी बहुत इम्प्रूव होगी, ठीक है। सो अलमास जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, अलमास जावेद जो है उनकी स्टोरी है ये, वो 10 ईयर्स ओल्ड थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट प्लेयर, तो कार्मल कॉन्वेंट पोर्ट प्लेयर में उसकी स्टूडेंट हैं स्कूल की। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, जहाँ पर उसके फादर का क्या है, एक पेट्रोल पम्प है। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकोवरी आइलैंड, तो उसकी मदर जो है उनका घर कहाँ है, नानकोवरी आइलैंड पे है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, जो फैमिली है वहाँ पर वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाना चाहती हैं। When the tremor came early in the morning, tremor यानी जो बच्चों अर्थक्वेक है, when the tremor came, जब ये जो सुनामी है ये आई थी, वो कब आई थी, early in the morning, the family was sleeping, उस समय जो family है वो क्या था, वो सो रही थी। early in the morning में क्या करते हैं, सोते हैं, तो the family was sleeping। tremors बच्चों आपके लिए यहाँ पे जो है word है tremors, that is the type of earthquake। Alma's father saw that the sea water receded, एल्मस के जो फादर हैं उन्होंने देखा कि वाटर का भी जो मूवमेंट है वो स्लो है। द सी वाटर रिसीड, रिसीड का मतलब होता है बैकवर्ड, तो समथिंग उन्होंने सोचा कि अभी पीछे जा रहा है, यानी जो मूवमेंट है वो स्लो है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, उन्होंने सोचा, ठीक है, वो समझ गए थे कि जो वाटर है वो पीछे जाएगा और एक ग्रेट फोर्स के साथ वापस आएगा, रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। ही वोक एवरीवन आप, उन्होंने हर एक को जगाया एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और उन्होंने उनको एक सेफर प्लेस पे जो है ट्राई किया कि जब तक ये सुनामी जो है वेव स्ट्रांग होती हैं, वेव्स जो है जाइंट होती हैं, तब तक एक सेफ प्लेस पे जाया जाए। एज दे रन, ठीक है, वो दौड़े, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, उनके जो ग्रैंड फादर थे अलमास जावेद, उनके जो ग्रैंड फादर थे उनका जो है उनको चोट लग गई है, ओके, वॉज हिट,
ऑन द हेड, उनके सिर पे जो है कुछ लग गया, एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके जो फादर हैं वो उनकी हेल्प के लिए वो दौड़े, रश दौड़े। देन केम द फर्स्ट जॉइंट वेव, और उसी समय क्या आ गई, फर्स्ट जॉइंट वेव आ गई, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और वो दोनों को क्या कर ले गई, एक तरह से बहा ले गई। एल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, तो एल्मास की जो मदर हैं और उनकी जो आंट हैं वो जो है कहाँ थी, स्टूड क्लिंगिंग, क्लिंगिंग यानी एक तरह से उन्होंने होल्ड किया हुआ था, क्लिंगिंग का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड करना, क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, तो कोकोनट ट्री की जो लीव्स हैं उनको उन्होंने क्लिंग किया हुआ था, पकड़े हुए था। कॉलिंग आउट टू हर, ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक वेव आई एंड उसने क्या किया, अपरूट, अपरूट का मतलब होता है उखाड़ देना, अपरूटेड द ट्री एंड देन दे टू वर वॉश अवे, और वो भी क्या हो गई, बह गई, ठीक है, वॉश अवे। अल्मास सॉ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, सो अल्मास ने क्या देखा, लॉग, लॉग क्या होता है बेटा, टुकड़ा एक तरह से, वुड का बड़ा सा टुकड़ा होता है, जो नीचे का ट्रंक पार्ट होता है वो बह रहा था, लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। She climbed onto it, और वो क्या कर गई, वो उसके ऊपर चढ़ गई, ठीक है, she climbed onto it, then she fainted, उसके बाद वो क्या हो गई, वो faint हो गई, यानी बेहोश हो गई। When she woke up, जब वो जागी, she was in a hospital in कमोरता, तो जब वो जागी तो वो कमोरता के हॉस्पिटल में थी। From there she was brought to Port Blair, वहाँ से फिर वो Port Blair लाई गई। The little girl does not want to talk about the incident with anyone, तो वो जो girl है वो किसी के साथ भी ये इंसिडेंट जो है वो शेयर नहीं करना चाहती है। शी वॉज स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड, ट्रॉमाटाइज्ड क्या होता है बच्चों, सदमा, शॉक, ओके, यानी उसको, उसके जो है फादर मदर सबके साथ एक कितना बड़ा इंसिडेंट हो गया है जिसके कारण वो क्या है, वो शॉक में है, वो किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अब देखिए यहाँ पर, नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स एज दे अकर इन द पैसेज अबो, आपको ये जो दिखाया गया है आपको इनकी सीक्वेंस में लिखना है, राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्स। सो सीक्वेंस क्या है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक वेव जो है वो स्टार्ट हुई है, अभी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन है, सो फर्स्ट ये रहेगा, ओके। सेकेंड क्या है बच्चों, सेकेंड जो है फिर क्या होता है, सुनामी आती है एंड एवरीथिंग गेट डिस्ट्रॉयड, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड थर्ड जो है ये आएगा बाद में, जब ये जो है हॉस्पिटल जो है पहुंच गई थी। नेक्स्ट सी पार्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए, व्हाई डिड अल्मास फादर वेक अप हिज फैमिली, तो अल्मास के जो फादर हैं वो अपनी फैमिली को क्यों जगा रहे थे, टू सेलिब्रेट क्रिसमस और टू ड्रेस देम टू सेफर प्लेस। सो क्या आंसर आएगा, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए तो उनको अपने वहाँ पर घर पर उनकी जो मदर हैं उनके घर पर जाना था, अभी क्यों उठा रहे थे, अभी सुनामी आने वाली थी इसलिए उठा रहे थे ताकि वो सेफ प्लेस पे जा सकें। सो ये आंसर होगा बेटा, टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। सेकंड क्या है, एल्मास डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज, एल्मास है वो जो किसी से भी इस इंसिडेंट की बात नहीं करना चाहती, क्यों नहीं करना चाहती, शी वॉज अनवेल, क्या वो ठीक नहीं है, या शी वॉज शॉक्ड एज शी लूज्ड हर फैमिली मेम्बर्स, वो शौक थी क्योंकि उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया था, बिल्कुल वो शौक थी बेटा क्योंकि उसने जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब पानी में जो है बह गए थे। सो बी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड, अल्मास मदर आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज, तो अल्मास की जो मदर है आंट हैं वो सुनामी से नहीं बच सकी, क्यों नहीं बच सकी, द ट्री दे होल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, उन्होंने बच्चों जो कोकोनट ट्री पकड़ा हुआ था वो क्या हो गया था, अपरूट हो गया था, उखड़ गया था, बह गया। दे हेल्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड एंड गॉट ड्रॉन्ड, उन्होंने जो लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा हुआ था वो जो है क्या हो गया, डूब गया और इससे वो मर गई, तो ऐसा नहीं था, द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, ये इसका आंसर होएगा। अब देखिए नेक्स्ट डी पार्ट क्या है, गिवन बिलो आर वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, सो जो है नीचे कुछ ये फ्रेजेस दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये किस तरह की मूवमेंट जो है वो शो कर रहे हैं। पुट देम इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज कॉलम, तो हम इनको नाम देंगे बेटा, यहाँ पे देखिए नंबर वन हम दे रहे हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा नंबर थ्री एंड नंबर फोर, ओके। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, फास्ट मूवमेंट, तो फास्ट मूवमेंट रश, रश क्या होता है भागना, तो फास्ट मूवमेंट होगी नंबर वन। नंबर टू स्वेप्ट अवे, ठीक है स्वेप्ट अवे। आप देखिए स्लो मूवमेंट क्या है, बिल्कुल जो है स्लो मूवमेंट है रिसीट,
यानी एक तरह से धीरे धीरे जो है पीछे जाना कह सकते हो, या बहुत स्लो मूवमेंट है। नीदर स्लो नोर फास्ट, ना तो स्लो है ना ज़्यादा फास्ट है, तो वो क्या होती है, कंडीशन फ्लोटिंग। ओके, कंडीशन क्या होती है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। तो यहाँ पे आप फ्लोटिंग लिखेंगे, यहाँ रश लिखेंगे, स्वेप्ट अवे लिखेंगे। सो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप आपको बच्चों ये वर्कशीट क्लियर है, आप समझ गए हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।